हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट। क्या आपको पता है कि क्यों कुछ चीज़ें बर्न होती है विथ फ्लेम और क्यों कुछ चीज़ें बर्न होती है विदाउट फ्लेम? मतलब कुछ चीज़ों में तो हमें फ्लेम दिखती है जलते टाइम, लेकिन किन्हीं चीज़ों में हमें फ्लेम ही नहीं दिखती, बस उनका ग्लोइंग पार्ट ही दिखता है। स्टूडेंट, फ्लेम तभी प्रोड्यूस होती है जब कोई गैसियस चीज़ बर्न होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वुड और चारकोल को ले और अगर हम उसे बर्न करें तो उसमें जो वोलेटाइल सब्सटेंस है, मतलब जो ईजिली वेपोराइज हो जाएगा नॉर्मल टेम्परेचर पर, वो बर्न होता है, जिसकी वजह से हमें स्टार्टिंग में फ्लेम दिखती है। और जैसे ही वो वोलेटाइल सब्सटेंस ख़त्म हो जाता है, हमें फ्लेम भी दिखनी बंद हो जाती है, बस हमें ग्लोइंग पार्ट उसका दिखता है। और किसी भी सब्सटेंस की फ्लेम की कलर उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल के लिए हम कोल को देखते हैं, तो कोल में देखिए कोई वोलेटाइल पार्ट नहीं होता, तो इसकी वजह से हमें उसकी फ्लेम भी नहीं दिखती। और उसी ऑन अदर हैंड हम कैंडल को देखें तो वैक्स जो है वो ईजिली वेपोराइज हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें फ्लेम दिखती है ऑरेंज कलर की।